अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान कहे छे, अविनाशी आ जगत ने कहो पीपड़ो छे, तेनो जाने सार जे ज्ञानी साचो ते। गुणो थी वधि विषयना मृदु पात्रो वाणी, शाखा तेनी उपारने नीचे छे सारी। मनुष्य लोक मा कर्म थी बांधनार छे ते, नीचे शाखा उपार छे मूल वृक्ष दूते। स्वरूप तेनु सहज मा समझी नाज शकाय, आदि अंत संसार ना समझी नाज शकाय। जाती पाछा आवता ज्ञानी लोको ना, ते उत्तम पद पामगू जन्म धरी ने आ। जेनाथी आ जगतनी प्रवृत्ति चाले, ए परमात्मा पामवा जगने जे पाले। दृढ़ आगुम संसार एम विचारी जे, अनासक्ति ना शस्त्र की छेदे बुध जनते। मान मोह आसक्ति ना दोष नथी जेने, आत्मज्ञान मा मग्न छे काम नथी जेने। सुख ने दुख समा बधा द्वंद्व थकी पर छे, ज्ञानी तेवा पामता अविनाशी पद ने। अग्नि सूरज चंद्रना जेने तेज धरे, जन्म मरण थी मुक्त ते मारू धाम खरे। जीव अंश मारो थई शरीर मा वसतो, इंद्रियो ने मन तणु आकर्षण करतो। सुवास कोई तूलनी पवन लईने जा, केम जीव आ अंग थी मृत्यु समय जाय। आंख कान ने नाक ने जीभ त्वचा मन ने, साधन करता भोगवे जीव विषय रस ने। जीव देह थी जाय छे देहे भोग करे, मूल जुए एने नहीं दर्शन संत करे। योगी यत्न करी जुए अंतर माते ने, यत्न करे पण ना जुए चंचल जन एने। अग्नि सूरज चंद्रमा जे कई तेज जनाय, तेज ते बधू में धरू मारू एम गणाय। धारू छू जगत ने पृथ्वी ना रूपमा, कोशू छू ने औषधि धड़ी चंद्र रसमा।
जठराग्नि बन तारणो शरीर माए चार जात ना अन्न ने मुझ पचाऊ छू सौना हये छू रहो जीवन प्राण थई ज्ञान ज्ञान नो मूल छू साची बात कही संशय नाशक ज्ञान ने स्मृति नो दाता हूँ वेदांतक ने वेदनो जाननार पण छू आत्मा तो अविनाश छे छे शरीर नो नाश शरणे अक्षर वस्तु नो एव विश्वमावास परमात्मा बीजावणी एकी उत्तम छे जे व्यापक जग माथया ईश्वर साचे थे क्षर अक्षर की श्रेष्ठ हूँ एक ही अर्जुन है कहे वेद ने जगत मां पुरुषोत्तम मुझने मनेज पुरुषोत्तम रूपे जाने ज्ञानी जे भजे सर्व भावे मने सर्वज्ञ खरे ते खूब गूढ़ मा गूढ़ आ शास्त्र कहूं छे में धन्य तेम ज्ञानी बने आने जाने ते अध्याय 15 समाप्त।